ज़िले करक सूबे खैबर पख्तूनख्वा से 123 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया एक इंतहाई पुरकशिश मकाम है। ज़िले करक तेल और गैस के मदनियात से न सिर्फ मालामाल है बल्कि नमक के कानों के लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत रखता है। क्योड़ा के बाद पाकिस्तान में बड़े नमक के कान अगर मौजूद हैं तो वो करक में हैं। ज़िले करक में नमक की पैदावारी इलाकों में नरीपनोस, बादर खेल, जट्ठा इस्माइल हेल, तपी, सरेखवा, मंसूरगढ़, चूगी, स्पीना बांडा शामिल हैं। नमक के कान में काम करने वाले मज़दूरों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर मिलने वाले पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन दलदा के 18-19-20 साल मजदूरी वकड़ा दलदा के लोंदे सरकारी कंटा लगे दले वा ट्रक पर डकेदा लागे टाइम के 200 रुपये रेट वो पटाई लेवल वजन बतलाल रूटीन सही वो सर करीम एक माँ दो ट्रैक्टर वो तरीका कार सही वो मैन सरदार बो गर जिला लगी वो खतरे चेक कवाले नन सबो न मैन सरदार अरसी चगा खतरा चेक की टिक शुआ नस त्यारे सिस्टम द लाइट सिस्टम नश्ता लोंदे मेक माँ दो यो चौकी दौर दागा 24 घंटे ड्यूटी कही बकाया सरकारी नौकरों दी आगा नरसी घंटे तनी में तरुशी अखबल लेन बराबर की वापस लूट शिकूर के साथ तनख्वाह उखली जज किम गड डकाव मुझ पर 16 कसानो यो गड डाकड़ अगे मुझ ता 3300 रुपये रोक ले 3300 तकसीम में 16 मुझ वकड़ल अगे नई मुझ 250 रुपये बचत रो था नन सबो महंगाई दवर के 250 रुपये बने दे शलो कसानो गुजारा न कीजिए मुझे गरीब अवाम यो छ पैसे उड़ू रेट चगो उड़ा किम नरख तवर सीधल प्योज किम नरख तवर सीधल टमाटर किम नरख तवर सीधल मजदूर पर सट रहा दा मख की चुक न परिज दी چه مخ کې څه یا غي چې نه دا غلط ته شو طرف ته زور نه کوي بدو طرف ته زور کوي ज़िले करक तीन तहसीलों पर मुश्तमिल हैं जो कि तहसील बांडा दाऊद शाह, तहसील करक और तहसील तख्त नसरती है। ज़िले करक का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अजला में किया जाता है। तेल, गैस, दात, यूरेनियम और नमक के ज़खीरे बड़ी मकदार में इस ज़िले से हासिल की जाती है। ज़िले करक पाकिस्तान की मईशत में अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। दूसरे नमक की कान की तरह नरीपनोस में जो मौजूद नमक की कान एक ख़ास अहमियत रखता है। नमक की कान ये सदियों से बना है नरीपनोस में और यहाँ से टनों की हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर नमक दूसरे अजला में सपोर्ट किया जाता है। इस सप्लाई इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो इसमें 40 से 45 मज़दूर काम करते हैं और इनके लिए कोई जो सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं है। अगर मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊं यहाँ का जो पानी है वो नमक की कान की वजह से सारा नमकीन है जिसकी वजह से पानी पीने के काबिल नहीं है। लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने इस जो इलाके को पानी मुहैया के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के मज़दूर हैं उनके लिए सेफ्टी किट का कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ का जो रास्ता है इंतहाई ख़राब है जिस पे जब ट्रक वगैरह जाते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात होती हैं। आइए आपको मज़दूरों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यार कुरशाल में सन से चली जी गुजारा कही गया ना हो लगा देना पहले मुँह मिश्री तोप कवा उस लगा महंगई दो हाल को चारे दी बन कर ये उस दा द्रंग तरगना दा मल के द्रंग हुआ देखे में तकरीबन दत भाई में हफ्ता दो जी चली है यार तकरीबन हफ्ते के दगा सलोर जरा सलर नीम जरूर रुपये खोला
अल तक के बचीर पर से गदी जियोत थी क्या ना लकश्मीर बची नहीं थी यो जाएं वा में कोर वाला था सलोर में शाजी बचाई थी वा में नरीना बची दिया वोड़ी की थी लका बस सन सा गुजारा मुबू की जी। जिले करक में नमक के कानून की वजह से इलाके की ज़रात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस ज़िले में बड़ा मसला पानी है, यहाँ के लोग साफ पानी पीने से महरूम है। नकासी आपका निज़ाम भी इंतहाई नाकस है। यहाँ की ज़मीन सख्त बंजर और लंबी लंबी पहाड़ियाँ पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर करक के इलाके नरीपनोस बादरखेल और जट्ठा इस्माइल हेल से सालाना लाखों टन की नमक की पैदावार होती है। बदकिस्मती से करक में मौजूद किसी भी नमक के कान में हिफाजती इंतजामात नहीं हैं और इब्तदाई तिबी इमदाद का कोई सामान मौजूद नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक इन नमक के कानों में दर्जनों लोगों की जानें ज़ाया हो गई है। मजदूरों के पास हेलमेट, गॉगल्स और सेफ्टी किट कुछ भी मौजूद नहीं है। सेब हम बदलता तकरीबन शल को लतेर कड़ी हुई इसको लदू इसको ला दस यार सब कीजिए के ना लका दलता मो अर किस्म अत्सा वाली दला लका द्वा द्रे सलूर पिंजम अलगरी मो नमड़ा शल दलता सोचते दाहन को देखा हाल हूँ नो दाना पहला बच्चे से अत्से शही भी अत्से हो डेरी कीजिए के ना लका दलता मिश्ता दा मुसीबत ता चिमिज ने मलगरा खुशी गला مجھنا چی ملگر خوشتی نو بیا اغی مجھا تماشا کهو دا ملگر من خوش شوه دا پا دی باشا کول که دا ملگر خوش شوه دا دا گی ویل گاڑا نو هاو دا ویل چی مو گڑانگ تا وط رایو پا دی تیم گاڑا دا دم را تکلیف کی وان دا ملگری کلا کلا مجھا درانگ که دن را تیره شی سوی تخپلا که سرا وینو نا یو لایت تا مجھتا ولا گئی آپا لمت که لشکی رنو بندو باستا وکی سوچتے دا لکہ میرا دی حکومت نہ ڈیر گلا منیو میرا سر غٹ زیوتا ہے دا سیر و تفریح کے لیے یہ نمک کے کان ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ عید ہو یا کوئی بھی پارٹی تو بہت سے لوگ اس نمک کے کان کا رخ کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ضلع کرک میں موجود نمک کے کانوں کو اگر ٹورزم کا حصہ بنائیں تو یہ ضلع کرک کے معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھی رپورٹر مصطفیٰ خان اور صفدر خٹک کے ساتھ ابرار خٹک، ایم آئی کے نیوز کرک۔